Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कलर्स के पॉपुलर शो बिग बॉस इंडियन टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी ड्रामा है, जहाँ ये शो में हमने कई सारे बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज देखे हैं। वहीं शो में कंटेस्टेंट के बीच में लड़ाई होना यह शो की मामूली सी बात है, जहाँ हमने शो में कंटेस्टेंट के बीच में बातों ही बातों में लड़ाई भी देखी है, जहाँ कई बार कंटेस्टेंट ने एक दूसरे के पर हाथ भी उठा दिया है। वहीं आप सभी को लास्ट सीजन के विशाल और मधुरी माँ की फाइट को तो याद होगा ही, जहाँ लास्ट सीजन में मधुरी माँ ने पेन से विशाल को मारा था, जहाँ ये देख फैंस काफी शॉक भी हो गए थे। जहाँ बिग बॉस के ये सीजन में भी हमने शो के स्टार्टिंग में ही कई सारे फाइट्स देखे हैं, जहाँ कंटेस्टेंट के बीच में कई सारे मन मुटाव भी हो रहे हैं। बिग बॉस 14 में रूबीना दिलैक और निक्की तंबोली एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट सामने आ रहे हैं, जहाँ शो में इन दोनों की नहीं बन रही है। वहीं इन दोनों का एक अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है हर एक मामले में, भले ही वो टास्क परफॉर्मेंस हो या किसी चीज में सहमति दिखाना। जैसे कि हमने देखा था कि रूबी सिद्धार्थ के खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़ी रही, जहाँ रूबीना ने सिद्धार्थ को कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सभी कंटेस्टेंट्स और सीनियर्स के सामने अच्छी तरह रखते हुए नजर आई है। वहीं सलमान खान ने भी रूबीना की काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि वो ऐसे ही खेलते रहे। जब बात किया जाए निक्की तंबोली की, तो निक्की तंबोली भी अपने गेम स्ट्रेटेजी के अनुसार खेल रही है, जहाँ निक्की तंबोली ने सभी कंटेस्टेंट को काफ़ी इरिटेट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर निक्की सभी ऑडियंस का दिल भी जीतते हुए नजर आ रही है अपने फनी एंटरटेनमेंट्स के थ्रू। तो आप हमें बताइए, रूबीना और निक्की के बीच में आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किसकी गेम स्ट्रेटेजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है?